जी, फर्स्ट मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कल्याण को एंड टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स. बहुत खुशी है और इतना बड़ा सम्मान मिला है. दादा साहेब फाल्के जैसे ही इन्होंने कहा है कि एक शब्द है जो वैसे ही इतना सम्मानित महसूस कराता है. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यस, आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट. सो खुशी तो डेफिनेटली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जैसे ही आपको ऐसे कुछ सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको और अच्छा काम करना चाहिए और यू नो, ताकि बार बार ऐसे अवार्ड्स घर आए. मैम, यू आर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शोज, सबसे सक्सेसफुल शो की पार्ट हैं आप. क्या कहते हैं कि अभी तक कामयाबी जो मिली है शो को या आप पार्ट में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आजकल के टाइम में कोई शो चलता नहीं है, एज यू नो, मतलब तो व्हाट यू कुछ अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ द शो. जी, मैंने हमेशा कहा है कि शो एक इमोशन है शो से ज़्यादा. जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में सालों से ये शो चलता आ रहा है. तो इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन जिससे हम सब अटैच्ड हैं. तो खुशी तो बहुत है और बहुत ही ग्रैटिट्यूड भी है कि मुझे ऐसा मौका मिला. और हाँ, मेरा बस यही है कि मैं एंटरटेन करती रहूँ, सबको हंसाती रहूँ और ऐसे वक्त में लोगों को हंसाने से बेहतर और क्या है. और मुझे वो मौका मिला है. आई थिंक थैंक यू. आपको स्टाइल की बात मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, आपकी स्टाइल के बारे में, आपके फैशन के बारे में? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यू नो, हम जैसे दिखते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एक पूरी टीम होती है. सो इट्स नॉट दैट ऐसे दिखना भी यू नो, सुबह नींद से उठते हैं और हम ग्लैमरस लगते हैं, बिल्कुल नहीं. एंड स्टाइल मेरे लिए, स्टाइल से ज़्यादा आई थिंक कपड़ों और ट्रेंड्स से ज़्यादा मैंने हमेशा यही एक मंत्रा फॉलो किया है कि वेयर योर कॉन्फिडेंस. तो आप जो भी पहनो कॉन्फिडेंस से पहनो एंड आई थिंक यू लुक गुड. भले कोई आप पर विश्वास ना करे, आपकी स्टाइल पर भी विश्वास ना करें, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड इवेंचुअली. आज के लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यस, सो या आई मीन आई वॉन्ट टू स्पार्कल एंड शाइन. I want to sparkle and what better way to get my inner glow out. So that's why, वैसे भी मुझे bling और ये सब का बहुत शौक है. So I think I'm looking nice. What do you say? Thank you. दादा साहब फाल्के आइकनों अवार्ड में इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए. मुझे, मैं कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पात्र समझा मुझे. और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिनको अवार्ड मिले हैं, और मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है. और कल्याण जाने के लिए मैंने कई बार फिर कहा है मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और गरीबों की मदद करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे. और एक इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा हो गया जो सुनहरे पन्ने पे उनका नाम लिखा जाएगा. बोलो हर हर महादेव. शिव शंभो. जय शिव शंकर. धन्यवाद सर. विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है, एक यूथ आइकॉन है. अब तो मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का एक परिवार के रूप में हूँ. और मैं, मुझे याद है कि मैं इस कार्यक्रम का फाउंडर हूँ. जब ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था तो कल्याण जी के साथ में मैंने पहला इस कार्यक्रम को किया था. और आज एज ए मुझे बुलाया गया गेस्ट, ये प्राउड की बात है. लेकिन दादा साहब फाल्के जो बॉलीवुड के फादर, और उनके नाम पे मूर्ति लगाना और उनके नाम पे कॉलोनी बनना चाहिए टेक्नीशियनों के लिए, अगर ये सोच अगर कल्याण जी जाना रखता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और मैं उनको तहे दिल से आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और जितने भी इस दादा साहब फाल्के अवार्ड पे विनर विजेता बने हैं, जिनको भी सम्मान मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्रीज में भी लोग को चिन्हित करके लोग आगे इसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करते रहे. हमारे जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, ये भी बहुत अच्छी मूवी बना रहे हैं. गुड मॉर्निंग इंडिया बनाया है इन्होंने, अभी भाभी माँ पिक्चर बना रहे हैं और जिसमें रानी चटर्जी काम कर रही हैं. ऐसे बहुत से मूवी इनके द्वारा बनाया जा रहा है. ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश मिश्रा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड की बात है जो आज के दिन हमारा शाम और हर चीज़ जो है ना चिन्हित हो गया जीवन में,
ये अवार्ड पाके, ये अवार्ड नहीं है, मेरे मंदिर का एक सम्मान है, एस राइट, तो ऐसे मैं सम्मान कुछ नहीं करता हूँ। और खाना जी, आप विशाल जी, जो उनके माध्यम से हर चीज़ें हमारे यहाँ तक पहुँचाया गया और यहाँ माना गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से, बहुत ही बड़ा वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस अवार्ड। एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा लगता है जब उसका काम और उसका हार्ड वर्क अप्रिशिएट किया जाए। Yes, I have some very big news on the company's front. We are going to film produce karne ja rahe hain, maybe second film as producer. So mere liye bahut bada occasion and soon I will be sharing with you. सबसे पहले आप सबको नमस्कार और पूरे आप सबके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा कल्याण जी ने और दादा साहेब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सम्मान किया, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मुझे इस लायक समझा। काफ़ी साल हो गए कि अगर कहा जाए अलामा इकबाल के शेर से कि लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो और ऊँचा कर दो आसमान को, सदियों तक जो ना बुझ सके ऐसी पहचान देंगे हम इंशाल्लाह अपने हिंदुस्तान को। आप सबका प्यार आशीर्वाद दुआएं इसी तरह बना रहे, और अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है सुल्ताना डाकू के ऊपर जो हमारी फिल्म है, बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप जिस तरह से प्यार देते चले आए हैं, दे रहे हैं, और इसी तरह आप देते रहेंगे ताकि हमारे अंदर आप सबके प्यार से हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा आती है और तब हम खूब सारी मेहनत कर पाते हैं। तो आप सब अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए ताकि हमें और ऊर्जा मिले और हम और मेहनत कर सकें और बहुत सारे अवार्ड कलेक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। इंटरनेशनल कोच जज एंड रेफरी, मुझे मार्शल आर्ट में कई अवार्ड्स मिले हैं लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया। बेस्ट कोच का तो मैं हर साल मुझे अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल कोच का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल जज का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रेफरी का भी अवार्ड मिला, लेकिन ये अवार्ड जो मिला है ये मेरे लिए बहुत मानीफुल है क्योंकि दादा साहब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। मैं ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस आइकन अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज मुझे ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और मैं इसी तरह का, मेरे पास 3 एकेडमी है हैदराबाद में जिसमें स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, अब तक 12,000 लड़कियाँ मेरे पास ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो मैं सेल्फ डिफेंस की स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों के लिए। मेरे 3 एकेडमी है, जो एकेडमीज है वो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जो हैदराबाद में 3 ब्रांचेस है इसके। मेरे पास मोर देन 700 स्टूडेंट्स है जो कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग खेलते हैं, और अभी हम लोग मोस्ट रिसेंट जो MFN 6 जो टाइगर श्रॉफ ने करवाया था दुबई में, उसमें मैं एज ए ऑफिशियल जज गया था। तो ये भी एक बड़े सम्मान की बात है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 3 जजेस का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मुझे भी सेलेक्ट किया गया था, और आज ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड में भी मुझे एज ए बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कल्याण जाना साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड दिया। थैंक यू सर, और मैं आप तमाम महाराष्ट्र मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैंने कहीं जाना के साथ में भगवान के अंदर में अन्य सीनियर आर्टिस्टों की ध्वजा थी कि उनको मुझे राशि माना है, तो उसका ये फल मिला कि आज भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुझे दिया गया है। मैं कहीं जाना का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारी मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।
जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है। और ये अवार्ड एक्चुअली पूरी हमारी भाभी जी टीम के लिए है, क्योंकि सब लोगों ने पिछले 6 सालों से लगातार बहुत मेहनत की है आप सबको हंसाते रहने के लिए। पैंडेमिक में सब अपने घरों में थे और हम अपना काम कर रहे थे और हंसा रहे थे सबको। भाभी जी की पूरी टीम के लिए हिप हिप हुर्रे। तो काफी सक्सेसफुल रहा ये शो, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सिंपलिसिटी में दिखाते हैं कॉमेडी को उस शो में, कितना एक अच्छा कॉन्सेप्ट मानती हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कहते हैं कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल, और वो भी कोई कैरिकेचरिश या वल्गैरिटी नहीं है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खिलखिला के हंस सकती है, तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती। कई सारे डॉक्टर्स ने इनफैक्ट हम लोगों को कहा कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में भाभी जी प्रिस्क्राइब करते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं उनको, कि वो हंस सके, क्योंकि आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन कभी कभी ह्यूमर की बात करें, अभी हाल ही में आप वीरदास के बारे में सुनी होंगे कि उन्होंने कॉमेडी करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये इतना नहीं, मैं पूरा तो वीडियो नहीं देखा मैंने, पर कुछ अंश देखे। लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आप कहीं बाहर जाकर हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें करें, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ। तो मैं तो हमेशा अच्छी बात है, क्योंकि हर देश में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को देखते हैं, और अगर कुछ बुराई है तो मिलकर उसको ठीक करें। आपके अलावा यूनिट में कौन ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला, कौन आया है बताइए? नहीं, आज तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बेस्ट शो, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बहुत सारे अवार्ड्स भाभी जी को मिले हैं और आई थिंक हम सब डिजर्व करते हैं। तिवारी जी को मिला, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, हम रिलेटिव के भैया को मिल के बहुत खुशी हुआ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थोड़ा मास्क पीछे, हाथ पीछे, मास्क रिमूव मैम, थैंक यू। चलिए थैंक यू। और ये जाने के बारे में ऑर्गेनाइजर ने शेयर किया, अरे यार वाह, अरे वाह जी, अनुपमा शो से है और आप अनुपमा हैं, तो आई थिंक कोई भी रेकग्निशन, कोई भी मैम प्लीज मास्क हटा, मास्क हटा दीजिए ना मैम, आपको जाना है वैसे ना, लेकिन आप भी चाह रहे हैं जोर से चलता है, वैक्सीनेटेड है सब एक्चुअली बॉयज, मैं नहीं हूं, इतनी वैक्सीनेशन, थैंक यू मैम। कोई भी आपके काम के लिए कोई भी रेकग्निशन मिलना बहुत एवरीबडी, जितने भी लोग हमारे पूरे यूनिट में हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और ये रेकग्निशन। I feel amazing and I feel blessed to be here. Of course, it's an honor. Thank you to Dada Saheb Phalke Icon Awards and of course my entire team of Anupama and Rajan sir, of course, for giving me the best role of my life, Kavya. I love playing Kavya every day, and of course my amazing co-actors. It's a beautiful feeling, and thank you to the viewers. Itna pyar dene ke liye hum sabko, hamari puri team rose bahut mehnat karti hai sabko entertain karne ke liye. So thank you very much. सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे राइटर को, जिनके दिमाग में ये कैरेक्टर का सर्जन हुआ, और बहुत 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 उन्होंने अच्छे हमें डायलॉग्स दिए जिनसे हम हर एक घर में अनुपमा पहुँच चुके हैं, और इसके लिए मैं ऑडियंस को, मेरी के प्रोडक्शन को, राजन साई को, हमारे राइटर डायरेक्टर, ऑलमोस्ट 80 पीपल आर देयर विद अस, सबको थैंक यू। मैं बहुत नया हूँ शो में, लेकिन सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, विदाउट हिम आई वुड नॉट हैव बीन हियर, एंड बाकी जैसा सबने बोला कि हमारे क्रू, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, बट सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑडियंस को और आप लोगों को, जिन्होंने इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दिया और अनुज के कैरेक्टर को इतना सराहा, सो थैंक यू द ऑडियंस, एंड आई होप कि मेरे आगे का काम भी आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। बेसिकली मैं हमेशा राजन से यही कहती हूँ कि असली अनुपमा जो है वो है, जो भी रेकग्निशन, जो भी हम सबको यू नो एनी काइंड ऑफ लव दैट वी गेट फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये सब एक तरह से राजन को ही जाता है, बिकॉज उनका ये शो में जो बिलीफ है इज़ व्हाट ब्रॉट द शो टू लाइफ,
योर टीवी स्क्रीन्स. अगर राजन जैसे मेकर्स ना हो तो ऐसा अलग शो बनाने की किसी में हिम्मत ना हो. एवरी क्रेडिट गोज़ टू राजन. नहीं हम ये बोलना चाहेंगे कि ट्विस्ट बहुत अच्छा है और आपको मजा आएगा देख के. मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता. 2021 क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के. सर बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है. कोई भी प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलता है तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है. एक लंबी जद्दोजहद रही है जीवन में, स्ट्रगल रही है. ऐसे में जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये हमें ज़्यादा इंकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है. सर आपसे आप क्या मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जिस काम को करते हैं ये ऑडियंस बेस्ड काम है. इसमें दर्शकों का जो रिएक्शन है वही हमारे काम का असली फल है. इसी वजह से हम लोग काम करते हैं कि दर्शकों का क्या रिएक्शन, और जब दर्शकों का अच्छा रिएक्शन होता है तब जाके ये अवार्ड मिलते हैं. और जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मुंह से बस निकल ही जाता है आई लाइक इट. सर आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो शो के पार्ट हैं सादगी के तरीके से आपने इंटरटेन किया, लोगों को हंसाया है, कभी किसी के जज्बात को नहीं ठेस पहुंचाया है. हाल ही में वीरदास का जो था कॉमेडी शो उसके में कितना गलत है ये कि किसी के जज्बात पहुंचा के आप हंसा रहे हैं लोगों को, वो बताइए. मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जज्बात को ठेस पहुँचा कर हंसाना ये बहुत बड़ा गुनाह है. हंसाने का काम जो है वो बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है. वो एक तरह से ईश्वर की सेवा है. और अगर हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हंसाना कैसे हुआ, वो तो दुख देना हुआ भैया. है तो हंसाओ ऐसे कि हर आदमी हंसे, हर आदमी खुश हो. और कम से कम ये तो बिल्कुल ना हो कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, तो ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए. एक बात सुनना चाहूंगा आपका क्या रवैया इस बारे में, क्या कहना. मेरा रवैया है कि मैं अपने भारत देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ और यहाँ के कण कण में जो है वो मोहब्बत है, इमोशंस हैं जो मेरे ख्याल से विदेशों में नहीं है. मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो आज ये कहती है कि भले ही यहाँ पर बहुत सफाई है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो भारत में है वो यहाँ नहीं है. तो मुझे मेरे भारत से प्यार है, बस यही. हाँ बिल्कुल, वी ऑल लव आवर इंडिया. इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो इंडिया से बेहतर है. इंडिया सबसे अच्छा देश है. इस देश की जो विविधता है, जो एक अलग हर धर्म निरपेक्षता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार हैं, और हर तरह के विचारों के लिए जगह है और हर तरह के विचारों का स्वागत होता है. हर तरह के लोग फलते फूलते हैं और खुश रहते हैं. तो भारत एक बहुत ही महान देश है और हम सबको गर्व है इस देश पे. किसी को भी कहीं भी कभी भी, चाहे वो हमारे देश की मिट्टी पर हो या विदेश में जाकर हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता कि हमारे देश को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करें. बहुत गलत बात है. Thank you. मैं संगीतकार दिलीप चंद और आज मैं आया हुआ हूँ आइकॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड में. यहाँ कल्याण जी जाना जी ने ये प्रोग्राम किया है और उसमें मुझे एक अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के का आइकॉन अवार्ड. बहुत खुश हूँ मैं, और ख़ास करके कल्याण जी के लिए मैं इसलिए खुश हूँ कि कल्याण जी जो सोच रहा है वो धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप पूरा करते जा रहा है. और आज जिस हिसाब से उसने इस जगह पर प्रोग्राम रखा है और वो भी टेरिस पर रखा है, अच्छा सारी मतलब मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई इंडस्ट्री की हस्ती नहीं होगी जो नहीं आई हो. उनमें से हमें भी आने का मौका मिला और ये अवार्ड देके उसने हमारी पूरी इज्जत अफजाई की. तो मैं कल्याण जी को बहुत ही बधाइयाँ दूँगा, खास करके दादा साहब फाल्के की जितनी भी टीम है और ख़ास करके आप जो मीडिया जितनी सारी आई हुई है, आपको बहुत सारी दिख रही है, सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हम जैसे कलाकारों को लोगों तक पहुँचाते हो. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. धन्यवाद. अच्छा इसमें से छपेंगे कितने मेरे दादा साहब फाल्के अवार्ड में लेकर. सर क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जो आपको मिला है और कल्याण जी जाना के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के. कल्याण जी जाने के बारे में ठीक ने सुना, मुझे लगा कि व्यक्ति जितना भी सबसे काम कर रहा है अच्छा ही के बेस्ट अवार्ड देने के लिए फोटो भेज दिया भाई.
आप क्या कहना चाहेंगे? बेहद उत्साहित हूँ एक प्रतिष्ठित चीज को पाकर, दादा साहब फाल्के अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इसके इंटरव्यू को कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत खुशी है और कल्याण जी को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने इतनी इज्जत दी और सारी डी के पी शाही प्रोडक्शन टीम को और आज सारी हमारी यूनिट आई, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिश्ता का कहलाता है को अनुपमा और आई को एक आई कर सकते। सो आई थिंक ये तीन शो जो है ये डी के पी शाही प्रोडक्शन के मतलब अनमोल रतन है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए सारी टीम्स आई हैं, सारे हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एवरीबॉडी इज हियर। So thank you so much and right now we have the brilliant team of Aikute Kai Karte and a brilliant series director Umesh ji. Umesh ji har show ko chahe Bidai ho, chahe Rishta ho, Anupama ho, aur Umesh ji set up karte as a director. Vivek ji hamare creative producer, Ranjit ji hamare set mein director hai and of course Ravi ji the brilliant director of Aikute Kai Karte and our family is our strength. जो क्रिएट किया उसके बाद उससे इंस्पायर्ड होकर अनुपमा बना, सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये ब्रिलियंट टीम, नमिता, रवि, यू नो द ब्रिलियंट टीम दैट यू हैव क्रिएटेड आई कुड हैव यू गॉट इंस्पायर्ड टू मेक इतने सक्सेसफुल शोज बना चुके हैं, कितने हम्बल हैं, व्हाट अबाउट फिल्म? ये दुकान क्यों बंद करवा रहा है भाई? 20 साल के बाद एक दुकान अच्छी चली है, मत बंद करवा भाई। ऐसे पूरी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, हम फिल्म करेंगे फिल्म करेंगे फिल्म करेंगे, वहाँ के भी नहीं रहते यहाँ के भी नहीं रहते। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा, अच्छा आपने सवाल पूछा, टीवी इज माई ब्रेड एंड बटर, टीवी इज माई प्रेस, टीवी इज द फाउंडेशन ऑफ माई कंपनी एंड टीवी इज द बिगेस्ट रीजन वाई टूडे इन आफ्टर 30 इन इंडस्ट्री मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। तो टेलीविजन हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी और हमेशा हमेशा हम सबकी प्रायोरिटी रहेगी, यू नो। सो आई थिंक और टीवी शोज का पूछ ले वो बनाते हैं। थैंक यू। अच्छा आपको पता है मैं वही था, मैम इधर भी देख। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अपने आप में रिस्पेक्टफुल है। मैम जब भी इस तरह का अवार्ड मिलता है तो उसकी खुशी महसूस होती है, हमेशा से आपको नए नए अवार्ड से नवाजा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइप का अवार्ड मिलता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है और काम करने का हौसला आता है और मोटिवेशन मिलता है, तो ये मिल गया है शायद और मोटिवेशन मुझे और मिलेगा और मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू कल्याण जी जाना फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड फॉर आइकॉनिक एक्ट्रेस अवार्ड ऑफ दादा साहब फाल्के। आई एम रियली रियली हैप्पी टू रिसीव दिस एंड व्हाट टू टेल अबाउट कल्याण जी जाना, such a nice human being, he does so much for the society, so much for the people. He must know that he feed people like who are poor on in Adarsh Nagar and we are also together in this that cause, and he is amazing human being and I'm so proud of him for the work, the social services he is doing for the country. He is somebody who will go really ahead and he will really make India proud. Ma'am, what kind of professional front are you working on a project right now? Yeah, I'm president like Being Red with Krishna Abhishek, and then my next film will be New Octo Haritwa and then other films in the pipeline as well. Thank you. Thank you. Yeah. 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 जाना है तुम देखिए
अवार्ड फंक्शन है और कई सालों से बड़ा अवार्ड फंक्शन है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके बाद में मुझे लगता है जितना बहुत बुरी फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग चल रही है, शायद साथ में रहिए सर, आप भी सर तो रखना ही है, हाँ रख दिए सर। सर सर योर इंट्रोडक्शन इन अबाउट गेटिंग दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2021 एंड अबाउट कल्याणी जाना। हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमित मेहता, आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स फॉर लीगल एडवाइजर, द दादासाहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। It's a very prestigious award and I'm very thankful to the entire jury for selecting us, and I'm very hopeful that people who are performing very well in industry are the people who are doing commendable job and are rewarded accordingly. My friend Mr. Yogesh Lakhani, who is also been doing a tremendous commendable job, has also got this award today. I'm thankful to the entire jury and thanks Dadasaheb Phalke Award. Thank you very much. Domestic aur kutumb khade hain aur Dadasaheb Phalke icon award teesra saal ka hai. अगस्त में बहुत सारे मजेदार रहा, आज जितनी क्राउड थी देख के लग रहा नहीं रहा था कि अभी कोविड खत्म हो चुका है, जैसे कि काफी सावधानियां बरतते हुए हम लोग प्रोग्राम में आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, और हमारे साथ देव जी हैं, देव जी का भी सीरियल चल रहा है, उस बारे में बताएंगे कभी दादासाहेब फाल्के अवार्ड। देव जी क्या कहना चाहेंगे, अवार्ड कितना अहमियत रखता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दादासाहेब फाल्के बहुत ही मेहनतकश इंसान है, और बहुत ही छोटे से शूट करके आज इस लेवल पे है, और सारे एक्टर जितने एक्टर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अवार्ड कहूँगा कि कोरोना काल के बाद ये अवार्ड जिस हिसाब से हो रहा है सफल अवार्ड हुआ। कोरोना ने बहुत जिंदगी धीरे कर दी थी, लेकिन हम सब रफ्तार अब तेज हो रही है, तो ये रफ्तार ऐसी बनी रहे। देव जी आने वाली प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बताइए, क्या क्या है आपके? हिंदी शो का नाम है सी टी वी का शो, और अगर तो ना होता मेरा करेक्टर है दीपक भाई, बहुत ही आवाज़ अगर वो नहीं होती तो क्या होता था? तो मैं बहुत कोई फिल्म कर रहा हूँ, टीवी सीरियल नहीं करते हैं, कर रहा हूँ भोजपुरी करता रहूँगा, भोजपुरी से ही पहचान है, भोजपुरी से मैं भोजपुरी भी मुझे यहाँ मुंबई में बहुत बड़ा सहारा है, मेरे को जैसे भी टाइम निकलता रहता है मैं भोजपुरी करता रहता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म नहीं आने वाली कम से कम 1840 पे आप सब देखिएगा। थैंक यू, आपसे थैंक यू सर, थैंक यू। कल्याण जी जाना को बहुत बहुत बधाई हो इस सबसे अवार्ड के लिए, दादासाहेब फाल्के का अवार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। कम संजय, हाँ मैं रेडी, मोबाइल से ले बाइक, हाँ सर ब्रदर सेंटर, सर सेंटर प्रोग्राम हुआ है दादासाहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। कल्याण जी जाना की जो सोच है वो सोच ऐसे दिन पर दिन बढ़ते रहे, और उनका कार्य दिन पर दिन बढ़ते रहे, और जो वो कार्य कर रहे जो फिल्म सिटी से स्ट्रगलर्स काम करते हैं, उनकी खान पान की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही कार्य करते रहेगा, और हमारे जैसे जो है उनके हिसाब से उनको हेल्प करते रहेंगे, जो आगे चलकर उनका बड़ा कार्य बढ़ते जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। लेकिन थोड़ा सा इसको घुमाओ, इस पर ग्लेयर आ रहा है थोड़ा, हाँ बस घुमा के रखो, वो पूरा शाइन आ रहा है। एक मिनट अभी ठीक है, मैं ले रहा सर, वन सेकेंड, यस बाबी लुक यार, महेंद्रवा लुक यार, वन सेकेंड, यस थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर लुक सेंटर, थैंक यू सर। अरे सत्तम कम, ये फोटो चाहिए ना सर, आइए सर, यहाँ लोग बताया था सर क्या कहना चाहेंगे? दादासाहेब फाल्के अवार्ड मिला बिल्कुल यार, मतलब हर साल
सर आ जाता तो बहुत अच्छा लगता। ये पहला अवार्ड है मेरे विद्रोही के लिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं जिनसे मतलब रोज सोशल मीडिया सीखता हूँ। ये जब जिस तरह मुझे डायरेक्ट करते काम करता हूँ सर, ये बहुत डेफिनेटली पूरी टीम के लिए टेक्नीशियंस आर्टिस्ट प्रोडक्शन सबके लिए ये अवार्ड है हमारे पहला अवार्ड है विद्रोही आप सब बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच दादा साहब पार्टी अवार्ड तो स्पेशल होता ही। थैंक यू। और आप लोग होते तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड मिला बहुत ही अच्छी बात है ना, तो इट्स गुड। पूरी टीम की मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इवन हमारे कैमरामैन रवि नायडू की मेहनत है, मेरी मेहनत है, बाकी पूरी टीम की मेहनत है। और हमारा मेरे को कास्टिंग जो है हमारी क्रू जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं सभी दिल से काम करते हैं, तो मज़ा आता है काम करते हैं। तो अवार्ड लेने में मज़ा आएगा, सबका अवार्ड है ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आइए मैडम। सर होस्ट एंड एक्ट्रेस 2021 एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब अवार्ड मिलता है और इतना भारी भरकम ये अवार्ड है। लेट मी टेल यू, कल्याण जी जाना का वजन तो कम होता जा रहा है हर साल, लेकिन उनके अवार्ड्स का वजन बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंड थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना एंड TPIF टीम फॉर दिस ऑनर। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी ये हालत हो जाती है अवार्ड फंक्शंस में आके, यू नो हाउ इट इज़। आप भारी भरकम ड्रेसेस पहनकर आते हैं, थक जाते हैं, बट आप लोग कभी थकते नहीं हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सो दिस अवार्ड गोज़ टू यू ऑल ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये जो है हर अवार्ड में थोड़ा वक्त लगाती है तैयार होने में, लेकिन जब आती है तो फिर आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। करेक्ट। और मुझे होस्ट का अवार्ड भी मिला है, तो मैं यहाँ पर एंकर का रोल अभी निभा रही हूँ आपके सामने, आधा काम आपका कर रही हूँ। रिप्सी को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि इतना अच्छा खाना बना के इनको खिलाती है। पतले होने वाला खाना, मोटे होने वाला खाना, कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ जी बताइए मुझे, सिर्फ आपको मोटे होना है या पतला होना है, 4 किलो कम 4 किलो ज़्यादा, खाना रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक पत्नी ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, आप लोग भी बहुत फैमिली है आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।